दोस्तों, आप सभी को पुष्पा किचन में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा के साथ बनाऊंगी मीठी चटनी और खट्टी चटनी। खट्टी चटनी में डालूंगी मैं आम और धनिया, सब डाल करके मैं बनाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैंने 5 पीस आलू ली है मीडियम साइज का, उबाल करके छील ली हूँ। इस पे आप मसाला डालने के लिए देखिए क्या क्या तैयारी की हूँ। 1 पीस बड़ा प्याज है, काट ली हूँ। 1/2 इंच के आधी है, उसके भी काट लिए हैं। 5-6 पीस आधा मिर्चा है और थोड़ा सा धनिया है। इस सबको डाल करके मैं फ्राई करूँगी। हमने ऑन कर ली है, पैन हमने चढ़ा दी है। तब तक जब तक पैन गर्म हो रही है तब तक मैं टमाटर मीठी चटनी के लिए बैठा दे रही हूँ उबाल करने के लिए। इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसी तरह से काटिएगा जिस तरह से मैं बता रही हूँ। देखिए छिलके उतारने में बहुत आसान होती है। कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा तेल हम डालेंगे फ्राई आलू फ्राई करने के लिए। देखिए तेल गरम हमारी हो गई है, इसमें 2 मिर्च हम डाल दे रहे हैं, तो तेज पत्ता डाल देंगे। थोड़ी सी जीरा उसमें डाल दीजिए, इसको डाल करके फ्राई कीजिए फ्राई कीजिए। देखिए हमारी फूरन तैयार हो गई है, इसमें मैं अब प्याज डालूंगी। थोड़ी प्याज है इसमें, थोड़ी सी आधी कटी हुई है ऐसे डाल देंगे। डाल करके फ्राई करते रहेंगे इसी तरह से फ्राई कीजिए जब तक लाल ब्राउन हमारी ना हो जाए। प्याज ब्राउन हो जाएगी तब मैं आलू डालूंगी। इसको हल्का ब्राउन करते रहना है, इसी तरह से फ्राई कीजिए। फिर थोड़ा सा मिर्ची मैं डाल दे रही हूँ, फ्राई कीजिए। अब मैं उसमें आलू भी डालूंगी, इस तरह से मिक्स करके। हल्का हल्का टुकड़ा छोड़ दीजिए, रहना चाहिए इसमें, ज्यादा मिक्स नहीं करेंगे, सब फ्राई होने में ठीक रहती है। इसी तरह से फ्राई करते रहिएगा, जब तक ब्राउन हो रही है तब तक मैं मसाला सब तैयार कर ले रही हूँ। देखिए मसाला में 1/2 चम्मच जीरा डाल रही है, 1/2 चम्मच गुड़ डालनी है, इसको डाल करके इसके में थोड़ा सा 1/2 चम्मच धनिया भी लेंगे, थोड़ी सी धनिया, 4-5 पीस मैं कली ली हूँ लहसुन की वो डाल दे रही हूँ, थोड़ी सी 1/2 इंच की आधी है वो भी डाल करके मैं पीस लूँगी। और प्याज ब्राउन हो गई है, अब इसमें मैं आलू डाल रही हूँ। डाल के इसको इसी तरह से टी पाउडर डाल दूंगी 1/2 चम्मच। देखिए इतना इसको डाल करके फ्राई करते रहिए। मसाला में जब मैं पीसी हुई थी वो मसाला भी डालते रहूंगी हूँ, इसको डाल करके फ्राई करते रहिए। स्वाद अनुसार नमक अपना डालिएगा, तो मैं 1 चम्मच डालूंगी, थोड़ी सी और डाल दूंगी, अपना स्वाद अनुसार डालिएगा। और थोड़ी सी आलू फ्राई हो चुकी है, इसमें मैं ऐसा गरम मसाला मैं डालूंगी, डाल करके मैं फ्राई करते रहूंगी। आलू हमारी फ्राई हो गई है, अच्छी तरह से हो चुकी है। अब इसमें मैं कसूरी मेथी डालूंगी, इस तरह से डालिएगा हाथ में प्रेस करके
डाल करके इस तरह से फ्राई कर दीजिएगा। अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत स्वादिष्ट बनती है ब्रेड पकौड़ा। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूंगी। अब गैस को ऑफ कर दूंगी। टमाटर हमारी उबाल हो चुकी है, अभी इसको मैं गैस ऑफ कर दूंगी। गैस ऑफ करके छोड़ दूंगी मैं, जब तक ठंडी हो रही है तब खट्टी चटनी के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। खट्टी चटनी के लिए मैंने इतना धनिया लिया हूँ और इसको इसमें डाल देंगे। इसको डाल करके फिर मिर्चा भी डाल देंगे, मिर्चा डाल करके लहसुन भी डाल देंगे। तब उसके बाद कटा हुआ आम है, कटा हुआ आम भी डाल देंगे। इसमें स्वाद अनुसार अपना नमक डालिएगा। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। अभी टमाटर ठंडी हो गई है, इसको अब मैंने छिलका उतार लूँगी आराम से। इस तरह से सारे टमाटर को छिलका उतार करके रख लेनी है। अब इसको मैंने इसमें डाल दिया, डाल करके इसको पीस लेना। देखिए टमाटर हम बहुत अच्छी तरह से इसको पीस लिए हैं। इसका मीठी चटनी मैं बनाऊंगी। चटनी के लिए मैंने पैन बैठाई थी, पैन हमारी गर्म हो चुकी है। उसमें मैं तेल डालूंगी, एक चम्मच तेल डालिएगा और उसमें थोड़ी सी दो तेज पत्ता रहेगा, दो तेज पत्ता डाल दी, दो मिर्ची मैं डाल दी, थोड़ी सी जीरा डाल दी, हमारी फ्राई हो फौरन तैयार हो जाए। हमारी तैयार हो गई है, अब इसमें मैं पिसा हुआ टमाटर डालूंगी। चलाते रहिएगा मीठी चटनी के लिए। इसे मैं डाल दूंगी थोड़ा सा मीठा, इतना मीठा है, मीठा डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक भी डाल दें, आप चीनी भी डाल सकते हैं। मैं मीठा भी ज़्यादा करती हूँ इसलिए इतना नमक मैं डाल रही हूँ। नमक अपना थोड़ा सा डालने से कलर भी अच्छी आती है, बेस्ट चटनी बनती है इसकी। इस तरह से एक मिनट तक चलाते रहिएगा। अब एक मिनट हमारी ये हो गई है, अब इसको गैस ऑफ कर दे रही हूँ। देखिए हमारी मीठी चटनी और खट्टी चटनी दोनों तैयार हो गई है। अब मैं ब्रेड के लिए तैयारी कर रही हूँ, ब्रेड पकौड़ा छानने के लिए। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए बड़ा ब्रेड ली हूँ, उसको जितना ये ब्राउन है वो सब काट करके मैं हटा लूँगी। इस तरह से सब काट करके हटा देने से अच्छी ब्रेड बनती है। इसको इस सब ब्राउन को निकाल देना है, ब्राउन रहने से इसको ब्रेड बढ़िया नहीं बनती है। इस तरह से ब्राउन मैं काट करके हटा ली हूँ। इस तरह से कट के हटा लेने से इसके ब्रेड का शेप बहुत अच्छी बनती है। मैं आलू भर करके बना करके दिखाऊंगी, बहुत अच्छी शेप होती है। देखिए अब इसमें मैं आलू भरूंगी। इस तरह से इसको पानी में भिंगा देनी है, भिंगा करके पानी इसको इस तरह से एकदम धीमी आराम से गाड़ दीजिएगा। पूरा पानी, इसमें पानी नहीं रहनी चाहिए। इसमें इस तरह से आलू ले लीजिएगा, इस तरह से लेकर के फोल्ड इस तरह से कीजिएगा पहले ऐसे, तब इस तरह से इसे करके आप फोल्ड पानी इसका पूरा निकाल देना है। ऐसे पानी निकल करके हमारे गोल, देखिए इस तरह से हो गया बन गया हमारी ब्रेड। हमारी तैयार हो गई है, अच्छी तरह से आलू भर चुके हैं। अब इसको मैं फ्राई करूंगी। तेल हमारी पहले से गर्म थी, धीमी आंच पर इसको फ्राई करें।
इसको हल्के से खिलाते रहिएगा। धीमी आज कल ही बढ़िया होती है, इसे इसी तरह से चलाइएगा। ये हल्का ब्राउन हमारी हो चुकी है, इसी तरह से इसको पूरी तरह से ब्राउन करनी है। देखिए हमारी अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है, अब इसको मैं निकाल लूंगी। टिश्यू पेपर पे ही निकालिएगा कि जितना तेल रहेगी सब सूख जाएगी इसी में। टिश्यू पेपर पर बहुत अच्छी हो जाती है, तेल सूख जाती है। इसी तरह से सबको हम डाल लेंगे। डेढ़ चॉप हमारी बनकर तैयार हो गई है। खट्टी चटनी, मीठी चटनी के साथ खाइए और इंजॉय कीजिएगा। पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।